गठिया या अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों और जोड़ों में सूजन होती है और अचानक से जोड़ों का दर्द बढ़ता और घटता है। ऐसे में आपको उन चीजों के सेवन से बचना चाहिए जो आपके दर्द को तेजी से बढ़ा सकती है। आपको वैसे भी अपने चीनी के सेवन को सीमित करना चाहिए, लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस है तो आपको विशेष रूप से कैंडी, सोडा, आइसक्रीम और ऐसे कई अन्य खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। स्टडी में पाया गया है कि सोडा जैसे शर्करा वाले पेय आपके गठिया के जोखिम को काफी बढ़ा सकते हैं। ग्लूटेन गेहूं, जौ और राई में पाई जाने वाली एक सामग्री है जो कि लसदार होती है। कुछ शोध इसे बढ़ती हुई सूजन से जोड़ते हैं और बताते हैं कि लस युक्त चीजें गठिया के लक्षणों में आसानी बढ़ा सकती हैं। ये विशेष रूप से बढ़ती हुई उम्र वाले लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं। अध्ययन में पाया गया है कि एक लस मुक्त शाकाहारी आहार रोग गतिविधि को काफी कम कर देता है और सूजन में कमी ले आता है। गठिया से पीड़ित लोगों के लिए नमक का लूम सेवन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नमक में उच्च खाद्य पदार्थों में डिब्बा बंद सूप, पिज्जा, कुछ तरीके के चीज, प्रोसेस्ड मीट और कई अन्य संसाधित चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही आपको अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अर्थराइटिस की समस्या बढ़ सकती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो अर्थराइटिस के दर्द और सूजन को कम करने के लिए इन चीजों को अवॉइड जरूर करें।